सर, मेरा नाम एस के जलालुद्दीन है। मैं उड़ीसा जाजपुर के रहने वाला हूँ और हम लोग चार पांच आदमी आए थे सऊदी अरब काम करने के लिए। हम लोग का जो बॉस है हमको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है और हम लोग के नाम में छोटा मोटा केस डाल के रखा है। और हम इंडिया गवर्नमेंट से और हमारे उड़ीसा के गवर्नमेंट नवीन पटनायक सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हेल्प कीजिए और हम घर आना चाहते हैं। प्लीज़ सर, हमें घर मंगा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। मैं हमारे उड़ीसा के नवीन पटनायक सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें हेल्प कीजिए, हम लोग बहुत परेशान में हैं यहाँ सऊदी अरब में। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଏସ୍ କେ ଶର୍ମା। ମୁଁ ସାଉଦି ଆରବ ଆସିଥିଲି। 3 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ କାମ କରିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲାନି, ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ଆମେ କାମ କଲା ପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋତେ ଆସିକି ଦିନେ ଦେଖିଲାନି। ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋ କତିରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ନିଜ ଗାଁକୁ ମୋତେ ପଠେଇ ଦିଏ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଖାଲିଦ ଆଉ ମୁଁ ସାଉଦି ଆରବରୁ କହୁଛି। ଆଉ 3 ମାସ ହେଲା ମାନେ ସାଲାରି ଫାଲାରି କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବି ଦେଲାନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିବେଦନ ଅଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ, ମୁଁ ହେଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସାଉଦି ଆରବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କାମ କରିଲା 17-18 ଘଣ୍ଟା, ଆମକୁ 3 ମାସ ହେଲା ସାଲାରି ଦେଲାନି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା, ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ପକେଇଛି, ଆମ ନାଁରେ ହୁରୁପ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲା, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। नमस्कार साथियों, तो आपने ये वीडियो देखा, ये हैं अपने इंडिया कर्नाटक साइड के बंदे हैं जो सऊदी में फंस चुके हैं। जी हाँ, देखिए अब इन ये लोगों ने अपने मुंह से ये बातें कबूल की, इनकी स्थिति खराब है और आपको भी इस बातों का ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों से भी भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप सऊदी में रहते हैं, जी हाँ सऊदी में बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जिनको ऊपर वाले ने इसके लायक बनाया कि वो फंसे हुए लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एनजीओ के थ्रू काम करते हैं, या बहुत सारे वो लोग हैं जो पुराने हैं, उनकी जानकारी है, ठीक है, चलबल उनकी अच्छी है, तो वो ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एड्रेस भी साथ में मेंशन करूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करूंगा, अगर हो सके तो इन बंदों की आप हेल्प कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि इतना आसानी से वीडियो मैं नहीं बनाने वाला भाई, एक बार में कोई डाल दे तो मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि हर आदमी की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है भाई। लेकिन ये बंदे रेगुलर पिछले 8-10 दिन से रेगुलर मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, लेकिन भाई सरकारें हैं उनको इतने जल्दी उनकी आंख है खुलती नहीं है, एक एक दो दो लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया के करोड़ों लोग विदेश में बैठे हैं, सब लोगों की शिकायतें रोज हजारों आती हैं, वो इतना जल्दी ध्यान देते नहीं हैं। और जितना सपोर्ट आप लोग, जितना वो कुआवत है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जितना पड़ोसी आपकी हेल्प करता है ना, उतना आपका भाई दूर रहने वाला 100 किलोमीटर वो भी नहीं कर पाता। तो सेम कंडीशन है, आप इनके पड़ोसी हैं, आप भाई से ज्यादा इनके काम आ सकते हैं, आपके भी कोई काम आ सकता है। तो ये नंबर है, कॉन्टेक्ट है, आप इनसे जरूर हेल्प करने की कोशिश करिए। और मैं आपको भी सब लोगों को बता दूं कि भाई जब विदेश जाए ना तो ध्यान सोचे समझे यार, ये बुक है ना मैंने इसीलिए बनाई थी भाई, लेकिन ये तो आप नहीं खरीदोगे क्योंकि इसके तो 1000 रुपए देने पड़ते हैं आपको। इस बुक में वही सब बातें हैं जो ये जो जाके बंदे फंसे हैं ना, ये सब बातें इसमें मेंशन की गई हैं, समझ गए बात को। अगर आप मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाते तो आज 100% ये लड़के घर पे होते, डंडा दे के इनको यहां पर बुला लेते। जी हाँ, समझ गए बात को, क्योंकि मैन पावर ऑफिस की आप जब ऑफिस में एग्रीमेंट होता है ना 2 साल का, तब तक की पूरी जिम्मेदारी होती है उनकी, वहां जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तब भी उनकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन आप फर्जी एजेंटों के द्वारा चले जाते हैं। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखें भाई कि जब भी आप छोटे मोटे टुचिए टुचिए होते हैं ना, जो शेख मान लो, रबाब मान लो, जिनको 5 लोगों की जरूरत होती है, 10 लोगों की जरूरत होती है, उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो बड़े हरामी टाइप के लोग होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करना, मैं डंडा दे के रखा है, चोरी के मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, 500 पे मुकदमे दर्ज करवा दिए चोरी के, आरोप लगा रखा है, बताओ ये बंदे कैसे करा सकते हैं। स्थिति इनकी खराब है इतनी कि आप सोच नहीं सकते। चोरी का झूठा मुकदमा, यानी कहने का मतलब है कि बंदा बंदिश में आ जाता है, अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, इनको नहीं पता होता है, पासपोर्ट कब्जे में कर लेते हैं ये बंदे ने, उसने इतना इनको परेशान किया कफील ने कि ये छोड़ के आ गए, पीछे से उसने चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया, आरोप लगवा दिया। तो अभी दोबारा
दोबारा भी उसने लालच दे के वापस बंदों को बुला लिया, फिर उनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। 10-12-12-13 घंटे काम करवाया जा रहा है, ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, बंदे फंसे पड़े हैं, कैसे निकलेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा भी भाई यही कहना है कि आप आसपास में कोई हैं इन लोगों की, आप जरूर सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, ताकि ये लोग घर आ सके। आज तक अपने जितने भी ऐसे वीडियो बनाए हैं उन लोगों की सबकी हेल्प हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग जो विदेश में बैठे हैं आप ही लोगों ने इनकी हेल्प की है। तो ये भी मैं सोचूंगा जल्दी इसका पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग मुझे देंगे। बस यही लो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।